टू माई चैनल. कैसे हो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना. मैं तो फिलहाल बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ. एंड हाँ, आज का ये वीडियो एक बेसिक सा मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है जो कि मैंने क्रिएट किया है स्पेशली फॉर द फेस्टिव सीजन. एंड शादियों का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है तो उसमें भी आप ये ट्यूटोरियल कर सकते हैं. बहुत ही ज्यादा इजी पीजी सिंपल स्टेप है जो कि सिंपल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ यूज किया गया है. कोई भी फैंसी या महंगा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही अफोर्डेबल रेट का प्रोडक्ट है जो कि इजिली सबके पास अवेलेबल होता है, नहीं तो अमेजन पर तो जरूरी होता है. इस अमेजन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, उसमें आप बहुत ही अफोर्डेबल रेट में ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जिसमें आपको 50-80% डिस्काउंट मिल रहा है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक जरूर करिएगा. एंड ये ट्यूटोरियल मैंने बहुत ही बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ किया है तो सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो सबको चेक जरूर करिए. तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो पे एंड देखते हैं हमारा ये बेसिक सा मेकअप ट्यूटोरियल. लेकिन इसके पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम ऑन फास्ट. सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइमर से स्टार्ट कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट का मेकअप प्राइमर लिया है. ये ब्लड प्राइमर है, मतलब एक आपके फेस पे अच्छा सा सॉफ्ट सा लेयर लेके आता है. अगर आप प्राइमर भी लगाती हो तब भी आपका फेस बहुत ही ग्लो करता है. नेक्स्ट मैं मेबलिन फिटमे का फाउंडेशन ले रही हूँ. 220 मेरा शेड है. यहाँ पे मैं अपने फेस पे प्लस नेक पे भी, गाइज नेक पे बिल्कुल ना भूले, मैं भूल गई थी फिर मैंने बाद में लेकिन लगा लिया था, तो नेक बिल्कुल भी ना भूले. पूरे फेस पे फाउंडेशन मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूंगी एंड अच्छे से मिला लूंगी. एंड यहाँ पे माई ग्लैम का पोज का मैंने कॉन्ट्रोल लिया है, जस्ट चीक के नीचे, गाल के नीचे एंड नोज पे मैं अपना कॉन्ट्रोल कर लूंगी, थोड़ी थोड़ी से थिन कर लूंगी. एंड इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ. जस्ट मैंने यहाँ पे किया है, मैं इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ. बहुत ही अच्छा कट आ जाता है मेरे फेस पे, ऐसा लगता है कि फीचर्स साफ है तो बहुत ही अच्छा लगता है. तो मैं इसको तो हाईली रिकमेंड करूँगी. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, आप इसको चेक ज़रूर करिए. तो यहाँ पे मैं नोज़ को भी कॉन्ट्रोल कर लूँगी, नोज़ भी काफ़ी हमारा मतलब थिन थिन लगेगा. एंड नेक्स्ट मेरा फेवरेट पार्ट कंसीलर का है. यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ. ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ईजिली ब्लेंड हो जाता है. मैं आज का जो वीडियो लाई स्पेशली मैंने बहुत ही मतलब धीरे धीरे दिखाया आप लोग को, अच्छे से एक एक पार्ट दिखाया है. अब जैसे मैं इसको ब्लेंड करके आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे देखो ईजिली ब्लेंड हो जाता है, ईजिली ब्लेंडेबल प्रोडक्ट है. ऐसे मैं आपको हल्का हल्का कुछ भी दिखा दूंगी वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझ नहीं आएगा. यहाँ पे मैंने कुछ भी बीच में कट नहीं किया है, मैंने टोटल आपको स्टेप दिखा रही हूँ. यहाँ पे मेरे कंसीलर का प्लस कॉन्टोर का टोटली मैंने फुल स्टेप दिखाया है. तो आप देखिए कितना ज़्यादा ईजिली ये फेस पे ब्लेंड हो जा रहा है. मतलब जितना ईजिली ब्लेंड होगा उतना ही कोई मतलब फेस पे क्रैक्स नहीं होंगे, कोई दाग वगैरह या फिर कुछ ऐसे नहीं रहेगा, फेस इवन लगेगा. तो यहाँ पे हमने नीचे भी यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसील कर लेंगे. तो ये कंसील एंड कॉन्टोर एंड फाउंडेशन मैंने एक साथ कर लिया. आप चाहो तो आई मेकअप पहले करके मेकअप बाद में भी कर सकते हो, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकती हैं. नेक्स्ट स्टेप हमारा है पूरा जो हमने बेस इतना लगाया है उसको सेट करना. तो उसके लिए ट्रांसलूशन पाउडर या बेकिंग पाउडर जिसको जो मतलब कहते हैं वो चाहिए. तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ कर रही हूँ. एंड गाइज बिलीव मी दिस इज़ मैजिकल प्रोडक्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही हमारे बेस को सॉफ्ट एकदम इवन कर देता है, मतलब बहुत ही अच्छा कर देता है. तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप जैसे देख सकते हो पूरा इवन लग रहा है मेरा स्किन. एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने आईज मेकअप की तरफ. यहाँ पे मैंने यू कैन बी का एक मेकअप पैलेट लिया है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगा है. ये जस्ट मैंने मेरा रिसेंट परचेज है अमेजन से, मुझे काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मिला है. तो मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लगाऊं, तो वही मैं आप लोगों से पूछ रही थी. फिर फाइनली तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक जो हमारा मेन जो कलर है आईज का वो हम ब्राउन रखते हैं. जो हमारा बेस कलर होगा वो ब्राउन होगा जो कि मैं पूरे अपने आईलेट्स पे लगा लूंगी. एंड उसके बाद मैं उतना ज़्यादा हैवी भी नहीं करूँगी और उतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं करूँगी, मिनिमम करूँगी, अच्छा करूँगी. तो यहाँ पे मैंने एक अपना वही जो बेस कलर हमारा है मैंने सेट कर दिया. उसके बाद मैं गोल्डन कलर का ग्लिटर शिमर लाइक ऐसे करके आई शेडो लूँगी और उसको अपने मिड आईज पे लगा दूँगी, अच्छे से ईजिली ब्लेंड कर दूँगी. मतलब ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अलग से ना लगे, बस ऐसा लगे कि लाइट कर रहा है बीच में. तो इसको ईजिली मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड यहाँ पर मैं बेलोरा पेरिस का आई लाइनर ले रही हूँ, एक टाइप का काजल प्लस आई लाइनर है. ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको आप काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आई लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. सो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड जितने देर तक मैंने मेरा मतलब मेरा ये मेकअप रहा उतने देर तक ये आईज पे स्टिका रहा, आई मीन बिल्कुल भी मिटा नहीं वो, तो काफ़ी अच्छा था वो. एंड नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फेस में यानी कि ब्लश एंड हाइलाइटर की तरफ. तो यहाँ पर मैं शुगर के कॉन्टोर का पैलेट का ब्लश यूज़ कर रही हूँ. ये मुझे ब्लश काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का मतलब जो ब्लश है वो एग्जैक्ट वही ब्लश है, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ ऑल द टाइम्स. एंड थोड़ा थोड़ा नोज पे एंड चिक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा हाईलाइटर लगा दूंगी ताकि हम थोड़े से और ग्लो ग्लो करें. पार्टी का टाइम है, दिवाली का टाइम है एंड फेस्टिवल का टाइम है, तो जितना ग्लो करेंगे उतना ही अच्छा है.
एंड नेक्स्ट अब मस्करा में मैं यहाँ पे शुगर का मस्करा यूज़ कर रही हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड लिपस्टिक में यहाँ पे दो लिपस्टिक लगाऊंगी, एक तो लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी एंड एक क्रेयॉन लगाऊंगी। क्रेयॉन में न्यूड्स लगाऊंगी एंड लिक्विड में पिंक लगाऊंगी, दोनों का मिक्स लगाऊंगी ताकि मतलब एक अच्छा सा कलर आए। दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो गाइज, ये है मेरा इजी पीजी सा फेस्टिव मेकअप लुक। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी मेकअप के प्रोसेस एंड मेकअप के स्टेप के बारे में जानकारी हुआ। एंड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स डिटेल्स प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय, आई लव यू।